हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रिज्म के बारे में जानकारी देंगे। लिसन केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू टीच हियर, क्लियर? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लिसन माय डियर, बात करते हैं हम प्रिज्म की। किसकी? प्रिज्म की कंडीशन। तो प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें टू पैरेलल फेसेस होते हैं। तो हम आप अगर बात करें तो प्रिज्म इज या प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन। प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन, ये भी पॉलीहेड्रॉन में आता है, पॉलीहेड्रॉन विद टू पैरेलल फेसेस। या पैरेलल क्या? टू पैरेलल फेसेस, इसमें दो पैरेलल फेसेस होते हैं, क्लियर? तो इस तरीके से आप जान लीजिए, प्रिज्म दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रिज्म होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रिज्म। ध्यान से अगर देखेंगे तो हम बता रहे हैं टू टाइप्स प्रिज्म होते हैं। पहला होता है आपका क्या? पहला क्या होता है? ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, और दूसरा होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, अब ध्यान से देखिएगा, हम सब चीजें बताते हैं। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे तो जो इस तरीके का फिगर बनता है, आप सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर? ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने? 9 फेसेस है। मैं अभी समझा रहा हूं, अभी बात करता हूं एक एक सबकी। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं? इनको तो आप समझ रहे होंगे, जिनका बेस रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, उसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म के नाम से जानते हैं। इनका फेस क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। इस तरीके से जो फिगर होते हैं उसको हम रेगुलर प्रिज्म में या रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, क्लियर? तो इसमें भी आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं, है ना, और 12 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। इस तरीके से हम रेगुलर और ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर इज आल्सो रेक्टेंगुलर प्लेस। ध्यान से देखो, सिलेंडर कैसा होता है, ध्यान से देखना। अगर बात करें तो ये सिलेंडर है, लेकिन जब इसे हम एक ओपन पेज लेते हैं, सपोज करिए अगर हमारे पास कोई ओपन पेज हो, क्लियर, खुला हो, तो वो क्या है? रेक्टेंगुलर है। लेकिन अगर हम बात करें उसको फोल्ड करते, चाहे लेंथ की साइड से या ब्रेथ की साइड से, तो अगर लेंथ की साइड से ब्रेथ उसको हम फोल्ड करेंगे तो जो लेंथ है वही सर्कल बन जाएगा, यानी कि वही उसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, और दोनों बेस उसके सर्कुलर हो जाएंगे और वो बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? सिलेंडर। तो सिलेंडर को अगर हम इसको ओपन कर दें, सपोज करो यहां से इसको निकाल दें, यहां से इसको खोल दें, और खोलने के बाद अगर करें तो सपोज करो कि इस तरीके का कुछ फिगर ये बन के तैयार होगा। क्योंकि जब इधर से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन इधर सर्कल बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या? इस तरीके का सिलेंडर। तो सिलेंडर भी एक तरीके का प्रिज्म होता है। तो सिलेंडर इज आल्सो अ प्रिज्म। ध्यान से इनको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम कि ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं, क्लियर? ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं, इनकी बात किया जाता है, फिर उसके बाद हर चीजों के बारे में बात किया जाएगा। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म आपका। एक तरीके से अगर हम इसका फिगर सही से बना दें तो ये बन जाता है इस तरीके का। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा,
ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म बन के तैयार होने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल एंड्स फेसेस। अब देखो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल एंड है, पैरेलल एंड फेसेस है ना। यहां से ये पैरेलल है, इसकी बात करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा और ये एक पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा। इसी को कहते हैं टू पैरेलल, पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये सब पूछ करो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये एफ है। इस तरीके से हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएंगे। इनको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी। अब याद रखिएगा, इनमें फाइव फेसेस होते हैं, दो ट्रायंगुलर होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर होते हैं ना। फेसेस अगर हम बात करें इसमें कितने होते हैं, तो होते हैं पांच, ट्रायंगुलर दो होते हैं। अब आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं, ट्रायंगुलर दो होते हैं और रेक्टेंगुलर कितने होते हैं, तीन। ये भी चर्चा कर लेते हैं कैसे, ये ध्यान से देखो। मैंने फेसेस को डिफाइन किया, एक ट्रायंगल ये बना बेटा और एक ट्रायंगल ये बना, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस हो गए। एक रेक्टेंगल जैसा ये बनेगा, एक रेक्टेंगल जैसा ये बनेगा और एक ये पीछे वाला बनेगा, तो इस तरीके से तीन रेक्टेंगुलर फेसेस बन जाते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपको पता हो गया कि फाइव फेसेस हो गए और तीन रेक्टेंगुलर हो गए। वर्टिसेस की बात करें तो सिक्स होती है, गिन लीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो कितने होते हैं, वर्टिसेस सिक्स होती हैं। अगर हम एजेस की बात करें तो ध्यान से देखो, आप खुद काउंट कर सकते हो एजेस कितनी होती हैं। ध्यान से देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हम बात करें अगर एजेस की तो कुल टोटल कितनी होती है इसमें, नाइन एजेस होती हैं ना, नाइन एजेस होती हैं। क्लियर, तो आपको होप ये समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब बात करें हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, ध्यान से समझिएगा। रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे तो क्या क्या होते हैं। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म था, क्या था, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू टीच हियर वेरी क्लियरली, यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी सीरियसली। क्लियर, एक अच्छे रिफ्रेश मोड में इस वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक तरीके का समझ लो आप क्यूबॉइड, आपने देखा होगा क्यूबॉइड जिसके सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर। सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में ये भी आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें सिक्स फेसेस, एट वर्टिसेस और क्या होते हैं, सिक्स फेसेस एट वर्टिसेस, सब बता चुका हूं इसको, और ट्वेल्व एजेस होते हैं। सारी चीजों की चर्चा पहले भी किया जा चुका है, आप समझ रहे होंगे है ना। तो ये कंडीशन होती है रेक्टेंगुलर प्रिज्म में आता है। एक सर्कुलर प्रिज्म भी होता है, सर्कुलर प्रिज्म क्या होता है ये ध्यान से देखो, सर्कुलर प्रिज्म। तो सर्कुलर प्रिज्म क्या होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। वो जो आपने सिलेंडर देखा था, सिलेंडर इस तरीके से, इसके दो फेसेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर। दो फेसेस क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। दो फेसेस इसके सर्कुलर होते हैं ना, तीन फेसेस होते हैं, एक कर्व फेस होता है और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कर्व होता है। एक कर्व फेसेस होते हैं, कर्व फेसेस होते हैं। अब आप कुल मिला के बात करेंगे फेसेस की इसमें, तो होते हैं तीन। क्लियर, दो सर्कुलर फेसेस, कितने, टू सर्कुलर, टू सर्कुलर एंड वन कर्व।
तो ये सिलेंडर में यही कंडीशन होती है। तो टोटल थ्री फेसेज होते हैं, दो सर्कुलर। अब इसमें बात करें हम बेटा किसकी, वर्टिसेज की, तो वर्टिसेज इसमें नहीं होती हैं। क्या होती हैं? वर्टिसेज इसमें ना के बराबर होती हैं। कहीं पर भी वर्टेक्स बनता हुआ दिखाई आपको नहीं देगा, इसलिए इसमें वर्टिसेज नहीं होती हैं। और एजेस की बात करें हम, तो एजेस और वर्टिसेज दोनों भी ना के बराबर होती हैं, एजेस भी इसमें नहीं होता, जीरो। तो इसमें कुल टोटल तीन फेसेस होते हैं, दो सर्कुलर और एक कर्व्ड होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मुस्कुराओ मत, समझो ईमानदारी से, समझ जाओगे तो अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बहुत आसान काम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका पेंटागोनल प्रिज्म। तो पेंटागोनल प्रिज्म क्या होते हैं, ये ध्यान से देखो, पेंटागोनल प्रिज्म। अगर हम बात करें पेंटागोनल प्रिज्म की, तो इसके बेस क्या होते हैं, पेंटागॉन्स होते हैं ना, बेसेस आर पेंटागॉन। क्या होते हैं? पेंटागॉन, पेंटागॉन बेसेस की बात करें तो पेंटागॉन होते हैं। और इन आर इट हैज सेवन फेसेस, इसमें कितने होते हैं फेसेस, कितने होते हैं सेवन। और अगर हम बात करें इसमें बेटा, दो पेंटागॉन्स सेवन फेसेस होते हैं, दो पेंटागॉन्स एंड फाइव रेक्टेंगल, इसमें क्या होते हैं, दो पेंटागॉन होते हैं, पेंटागॉन होते हैं और फाइव क्या होते हैं, फाइव क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स। तो टोटल सेवन अगर फेसेस हैं, फेसेस सेवन है, तो दो पेंटागॉन होते हैं और फाइव रेक्टेंगल्स होते हैं। आप समझ रहे होंगे, सबको बहुत अच्छे से समझना है आपको, समझेंगे नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और इसमें टोटल अगर हम बात करें एजेस की, एजेस कितने होते हैं, एजेस होते हैं 15। अब आप सोचो इस तरीके से फिगर अगर पेंटागॉन हम बनाए, ऐसा लगभग बनता है इस तरीके से, अब एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से हमारे बन जाते हैं क्या। अब हम उसको बना के तो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3D बनाने का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में सब आ जाएंगे ना। पांच ये हैं, पांच दस और पांच और जगह बन जाएंगे, तो 15 एजेस बन जाएंगे, फेसेज हो जाएंगे। वर्टिसेस को आप जानते हैं, एजेस आपके पास कितनी हो गई, 15। क्लियर? तो टोटल सेवन फेसेज होते हैं। इसी तरीके से अगर फिगर अगर आपको कोरिलेट करना है, तो बुक्स में आपके भी फिगर दिए हुए हैं, उनको आप देख के बना सकते हैं। अगर आप बात करेंगे हम हेक्सागोनल प्रिज्म की, हेक्सागोनल, अब आप समझ लीजिए नाम से ही, पेंटागोनल में बेसेस क्या होते हैं, दोनों बेसेस यानी ऊपर का और नीचे का पेंटागॉन होते हैं, कुल टोटल सेवन फेसेज होते हैं, दो पेंटागॉन्स होते हैं और पांच रेक्टेंगल्स बनते हैं इसमें। और इसी तरीके से एजेस इसमें 15 होती है। अब बात करते हैं हम उसकी, किसकी, हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें टोटल क्या होते हैं बेसिस, अगर कहें तो सारे जो बेसिस होते हैं वो हेक्सागॉन जैसे होते हैं। हेक्सागॉन का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें छह साइड होती हैं उसे हेक्सागॉन कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हेक्सागॉनल प्रिज्म होता है, इसमें सिक्स फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से अगर हम इनका रफ फिगर बनाएं, तो इस तरीके से इसमें सिक्स रेक्टेंगल कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर कुछ फेसेस होते हैं। टोटल फेसेस की अगर हम बात करेंगे तो कितने होते हैं, एट फेसेस होते हैं। अगर हम बात करें हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं प्रिज्म की, तो इसमें कुल कितने होते हैं फेसेस, फेसेस होते हैं एट। ध्यान से देखिएगा, फेसेस कितने होते हैं, एट होते हैं। वो कैसे होते हैं, फाइव इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, पांच इस तरीके से रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, पांच, समझ रहे हैं ना।
पांच रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और दो हमारे हेक्सागोनल होते हैं। हेक्सागोनल का मतलब समझ रहे हैं, छह साइड इस तरफ से और इसी तरीके से होते हैं बेटा, थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा इस तरीके से, दो इसके लिए टॉप और बॉटम, ये दोनों क्या होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। बाकी पांच क्या होते हैं, रेक्टेंगल। तो फाइव रेक्टेंगल फेसेज होते हैं, रेक्टेंगल और टू हेक्सागोनल होते हैं। अगर आप बात करें तो हेक्सागोनल, तो दो हेक्सागोनल होते हैं और पांच रेक्टेंगल फेसेज होते हैं। क्लियर। टू हेक्सागॉन्स होते हैं और सिक्स रेक्टेंगल्स होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, सिक्स, ओह सॉरी सिक्स नहीं, सिक्स नहीं बना, सॉरी बना देते हैं। तो ये टोटल सिक्स रेक्टेंगल्स होते हैं और टू हेक्सागोनल होते हैं। गलत, यहां एट था ना, तो ये सिक्स रेक्टेंगल और टू हेक्सागोनल रेक्टेंगल्स होते हैं। क्लियर। तो ये बात होती है हमारी प्रिज्म की। प्रिज्म में हमने आपने देखा तो जितने टाइप के होते हैं दो ही तरीके के होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है और रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपको मैंने बताया कि भाई ट्रायंगुलर प्रिज्म के दो पैरेलल फेसेस होते हैं ना, और इसमें क्या होते हैं, दो रेक्टेंगुलर यानी तीन रेक्टेंगुलर और दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ये तो ट्रायंगुलर की बात थी। और रेक्टेंगुलर में आपके पास हमने बताया कि कौन कौन होते हैं, एक सर्कुलर प्रिज्म होता है, पेंटागोनल प्रिज्म होता है और हेक्सागोनल प्रिज्म होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पिरामिड की। तो पिरामिड की बात करेंगे, इनको आप समझिएगा बेटा। अब एक चीज और होता है, अभी मैं बताऊंगा, यूलर फार्मूला होता है। जिन्होंने ये बताया कि फेसेस, एजेस और वर्टिसेस में से कोई दो चीज दी गई हो तो तीसरी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम अभी पिरामिड की बात करें। अगर बात करें हम पिरामिड की तो ये क्या होते हैं, इनकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी था। अब बात करेंगे पिरामिड, तो पिरामिड इज अ सॉलिड हूज बेसिस आर प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर ना। पिरामिड इज अ सॉलिड, इज अ सॉलिड हूज बेसिस, बेसिस आर रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं ना, रेक्टिलिनियर फिगर हूज साइड्स फेसेस आर, साइड फेसेस आर ट्रायंगल, हूज साइड फेसेस, साइड फेसेस क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, हूज साइड फेसेस आर ट्रायंगल। क्लियर। हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, इन सब में क्या होता है, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, इनमें वर्टेक्स अभी मैं बना के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, कॉमन वर्टेक्स, इनमें सब में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। और बात करें तो इसी को हम कहते हैं पिरामिड। तो पिरामिड इज अ सॉलिड हूज बेसिस आर रेक्टिलिनियर फिगर, हूज साइड फेसेस आर ट्रायंगल, हूज साइड फेसेस आर ट्रायंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एक आता है इसका पहला पार्ट होता है स्क्वायर पिरामिड, क्या होता है स्क्वायर पिरामिड, इसकी बात करेंगे तो हम आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर पिरामिड क्या होता है बेटा, इनका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है, और ये सारे वर्टिसेस जाके सबसे मिल जाते हैं इस तरीके से। तो इस ये जो फिगर बना ये हमारा कहलाया ए बी सी डी ई, ये कहलाया हमारा स्क्वायर पिरामिड। मींस अ स्क्वायर पिरामिड इज द पिरामिड हूज बेस आर इज स्क्वायर, समझ आया ना, जिसका बेस क्या होता है स्क्वायर होता है ना।
अ सॉलिड हूज बेस इज स्क्वायर एंड हूज साइड फेसेस आर ट्रायंगल। अब आप देखेंगे बेस क्या है, स्क्वायर है, और साइड फेसेस क्या है, ट्रायंगल है। ये बना ट्रायंगल और ये बना ट्रायंगल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेस इसका स्क्वायर होता है और इसके साइड बेसेस जो होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड में फाइव फेसेस होते हैं। कितने होते हैं अगर हम बात करें फेसेस की, तो देखो मैं गिन के दिखाता हूं, पांच होते हैं। कैसे? एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल दो, एक ये ट्रायंगल ये तीन, है ना, इसके पीछे चार, और ये एक स्क्वायर है पांच। तो टोटल फाइव फेसेस होते हैं, एक स्क्वायर होता है और चार ट्रायंगल होते हैं। वन स्क्वायर होता है और फोर ट्रायंगल होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर वर्टिसेस की बात करें तो ध्यान से देखो, वर्टिसेस आपको समझ में आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर और फाइव। तो इसमें फाइव वर्टिसेस भी होती हैं। अगर हम एजेस की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अगर हम बात करें एजेस की, एजेस कितनी होती हैं, तो सेवन होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिड। इसी तरीके से बेटा रेक्टेंगुलर पिरामिड भी होता है। रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिसका बेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होगा। अब आप कितने समझदार हैं, जब स्क्वायर पिरामिड को समझ गए तो रेक्टेंगुलर पिरामिड को भी समझ जाएंगे। रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होते हैं, जिसका बेस क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होता है, इन सारे फेसेस को ले जाके जोड़ दीजिए, एक वर्टेक्स कॉमन कर दीजिए ना, जहां पर सारी साइड को मिल जाती है, ये आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ए बी सी डी और ई। अब आप समझ रहे होंगे यहां पर भी एक टोटल अगर फेसेस की बात करें तो कितने होंगे भैया, है तो वही ना, फेसेस कितने हुए, पांच, जिसमें एक क्या हुआ, रेक्टेंगल, है ना। और बात करें उसकी तो चार कितने हुए, ट्रायंगल। अब आप समझदार हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये ना, एक ये और एक इसके पीछे, तो कुल मिला के चार ट्रायंगुलर हो गए ना, चार ट्रायंगल हुए और एक रेक्टेंगल हो गया। अब अगर वर्टेक्स की बात करें तो ये कॉमन वर्टेक्स और एक दो तीन चार और ये पांच, तो कुल मिला के वर्टेक्स, वर्टेक्स की बात करें या वर्टिसेस की बात करें तो होती है कुल मिला के पांच, है ना। अगर हम बात करें साइड की तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सॉरी एट एजेस होते हैं। यहां पर भी एजेस गड़बड़ हो गया बेटा, यहां एट होना चाहिए, कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां भी एट एजेस होते हैं। तो यहां भी एजेस कितने होते हैं, एट होते हैं। समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म भी होते हैं। अगर बात करें हम ट्रायंगुलर प्रिज्म में, तो इसका ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होते हैं जो टेट्राहेड्रॉन होता है ना, पहला फिगर हमने बताया था, जो सबसे पहले हमने पढ़ाया था हेड्रॉन में, तो हेड्रॉन में जो टेट्राहेड्रॉन बनाया था, बताया था, जिसका बेसिस क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन जो होता है, टेट्राहेड्रॉन वही कहलाता है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब उसमें कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, लास्ट वीडियो में, इसके पहले का वीडियो जो है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में भी समझ में आ जाएगा। अब एक छोटी सी चीज और रह गई जो आपको बताना था, क्या कि क्या होते हैं, यूलर फार्मूला क्या होता है। यूलर फार्मूले के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यूलर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं या आएंगे, आते हैं इसी तरीके से।
तो हमारा क्या है यूलर फार्मूला जो होता है वो फेसेस वर्टिसेस और एंड एजेस के बीच का रिलेशन है। एक यूलर साहब थे जिन्होंने इसकी खोज किया था, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी रिलेशन है तो किस तरीके से बनेगा, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू। अगर हमें फेसेस वर्टिसेस और एजेस इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी गई हैं तो हम बड़ी आसानी से तीसरी चीज निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू टू। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख दिए जाए, एफ प्लस बी माइनस टू इक्वल टू ई। अगर कोई ऐसे बताता है तब भी सही है, कोई ऐसे बताता है तब भी सही है, कोई ऐसा बताता है तब भी करेक्ट है। क्लियर? तो ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वर्टिसेस एजेस एंड फेसेस इज नोन एज यूलर फार्मूला। एक यूलर साहब थे जिन्होंने बताया कि अगर फेसेस और वर्टिसेस मुझे किसी भी फिगर के पता हो तो हम कैसे निकाल लेंगे तीसरी चीजें, कुछ भी दो चीजें पता हो तो तीसरी कैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस तरीके से चैप्टर फिनिश हो जाता है। रही बात, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, इसमें का फर्स्ट एक्सरसाइज ही करना है, सेकेंड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ना वो कभी आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सरसाइज से हम आपको रिलेशन बनाएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, फिर बता देंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, नया वीडियो बनाने का एक नया जोश और नया जुनून पैदा होता है। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।